फ्रेंड, गाड़ी हमारे पास टोयोटा इनोवा ओल्ड मॉडल है। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि जब भी स्टीयरिंग घुमाते हैं, जब भी बाहर से पावर स्टीयरिंग का आवाज़ आता है। यहाँ पे देख सकते हो, इधर से मालूम नहीं पड़ेगा, बाहर से दिखाता हूँ आपको। बोनट खोल, खुला है, खुला है। जरा स्टीयरिंग घुमाओ, राइट लेफ्ट मारो, स्टीयरिंग घुमाता हूँ और अभी आपका आवाज़ सुनाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, उल्टा मारो, यहाँ पे आवाज़ आ रही है। मारो उल्टा, उल्टा मारो, यही आवाज़ है। और ऑयल भी लीकेज नहीं हो रहा है, ना ही कम हो रहा है, मतलब लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। और पंप भी, स्टीयरिंग भी फ्री है, स्टीयरिंग हार्ड नहीं है। बंद कर दो गाड़ी, इसका जो स्टीयरिंग है एक बार खोलेंगे, उसको सर्विस करके देखते हो गया तो, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो अभी काम करेंगे उसमें। तो अब इसका स्टीयरिंग खोलना है, स्टीयरिंग खोल लेते हैं हम लोग, क्योंकि लीकेज है नहीं और पंप का भी इशू नहीं लग रहा है। ऐसे ही तो ज़्यादातर पंप का ही प्रॉब्लम आता है आवाज़ का, लेकिन थोड़ा स्टीयरिंग का इशू लग रहा है इसका। तो स्टीयरिंग का काम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऑयल भी कम नहीं हो रहा है और लीकेज भी नहीं है कहीं से, जहाँ है वहीं सिर्फ थोड़ा आवाज़ का इशू है। तो स्टीयरिंग खोलते हैं इसका, तो टायर को वगैरह खोलते हैं सबसे पहले, जैक लगा के। यहाँ पे टायर लूज करके ले रहे हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हो। टायर वगैरह खोल दिया है और ये हमारा स्टीयरिंग है, इसको एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी प्रॉब्लम रहेगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि पंप तो बहुत अंदर है, वो खोलने के लिए बहुत ये है। तो पहला स्टेप है कि स्टीयरिंग चेक करेंगे, स्टीयरिंग खोल के ले रहे हैं हम लोग अभी। फाइनली स्टीयरिंग खोल के बाहर निकाल दिए, यहाँ पे देख सकते हो सब, इतना सब कुछ खोलना पड़ता है। और पाइपलाइन वगैरह भी खोल दिए, यहाँ पे देख सकते हो। बॉल जॉइंट खराब हो गया है पानी के अंदर। पानी लगा क्या? साफ कर सुथरा, ये लगाते उसके बाद भी पानी जाता है अंदर।
यहाँ पे हम लोगों ने स्टेयरिंग रिपेयर करके फिटिंग कर दी है और ये बॉल जॉइंट भी नया डाल दिया है, गया हुआ था। अभी फिटिंग करके देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है क्या। ऊपर का पाइपलाइन वगैरह भी लगा रहे हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हो। ऑयल भी डालना पड़ेगा, यहाँ का भी बॉल जॉइंट दोनों साइड का चेंज कर दिया है, पूरा गया हुआ था नया डाल दिया है और अभी फिटिंग चालू है, सब फिटिंग करके ले रहे हैं हम लोग। अभी अभी सब खुला हुआ है, रॉड वगैरह भी सब लगाएंगे, देख सकते हो। स्टेयरिंग फिटिंग करके ले ली है और अभी सब नक्कल में लगा देंगे, फिटिंग कर देंगे पाइपलाइन वगैरह प्रॉपर तरीके से और फिर ऑयल डालेंगे। ऑयल भी है नहीं बाटली में क्योंकि ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है। यहाँ पर डब्बा खोला हुआ है, उसको क्लीन करके लगाएंगे प्रॉपर और फिर जो हमारा आवाज़ आ रहा था बंद हुए के देखेंगे। सब खोल के रखा था और अभी फिटिंग भी कर दी, रिपेयर करके स्टेयरिंग, स्टेयरिंग में पानी गया था तो सर्विस किया है, सर्विस करके लगाए अभी क्योंकि पानी भी जाएगा उसके अंदर तो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। उसके बाद फिर अलाइनमेंट वगैरह करके प्रॉपर फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे इसका डब्बा वगैरह भी क्लीन कर दिया है, ऑयल भी डाल दिया है, डब्बा भी थोड़ा जाम था तो भी क्लीनिंग कर लिया अच्छे से और ऑयल भी डालेंगे। पावर स्टीयरिंग ऑयल डाल के रखा है अभी और अभी इंजन स्टार्ट होने के बाद और जाएगा अंदर उसके। और अभी सब फिटिंग चालू है, राइट साइड का टायर लगाया है, फंसा है सिर्फ स्टीयरिंग सीधा रखने के लिए और फिर टाइट कर देंगे प्रॉपर होने के बाद में सब अच्छे से। तभी मैं सब फिटिंग कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आया है इसका। तो गाइस यहाँ पे सब फिटिंग करके ले लिया है, आप लोग देख सकते हो। और अभी उसका ऊपर का कॉलम लगा के ले रहे हैं हम लोग, तो उसको प्रॉपर फिटिंग करके स्टीयरिंग सीधा रखा हम लोगों ने, बॉल जॉइंट वगैरह सब टाइट कर दिया है और फिर प्रॉपर फिक्स कर लेते हैं उसको। तो अभी मैं सब फिटिंग करके ले लेता हूँ और फिर इंजन स्टार्ट करके देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ है क्या। गाइस फाइनली सब फिटिंग करके ले लिया है स्टीयरिंग वगैरह और अंदर का कॉलम वगैरह भी सब लगा दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। सब फिटिंग करके ले लिया है और अभी टायर लगा के जैक डाउन करके चेक करेंगे। ऑयल लेवल भी कर दिया है, ऑयल नया डाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हो नया ऑयल डाला है, जूना निकाल दिया है कि वो पुराना ख़राब हो गया था। अभी टायर टाइट करके ले रहे हैं हम लोग और जैक डाउन करके फिर स्टार्ट करके चेक करेंगे जो हमारा आवाज़ का इश्यू था वो गया है क्या। सब फिटिंग करके ले लेते हैं हम लोग और फिर जैक डाउन करके चेक करेंगे जो आवाज़ आ रहा था आवाज़ बंद हुआ है क्या इसका। नीचे से भी सब फिटिंग करके ले लिया है स्टीयरिंग पूरा, स्टीयरिंग रिपेयर किया है, स्टीयरिंग का हम लोगों ने सर्विस करके लगाया है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो अभी इसका हम लोग पंप खोल के ले रहे हैं, पंप दूसरा डाल के चेक करेंगे क्योंकि आवाज़ आ ही रहा है। अभी भी हम लोगों ने चेक किया टायर वगैरह लगा के तो थोड़ा ही बंद हुआ है आवाज़, पूरा बंद नहीं हुआ है, तो इसका पंप का इशू है। पंप खोल के ले रहे हैं और पंप दूसरा डाल के लेंगे। स्टीयरिंग वगैरह पूरा फिटिंग करके ले लिया, सर्विस किया हम लोगों ने स्टीयरिंग का लेकिन स्टीयरिंग से नहीं हुआ है। तो अभी इसका जो पावर स्टीयरिंग का पंप है वो खोल के ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो पीछे के साइड में आता है, बैक साइड में। पीछे से खुल जाता है वो, पीछे से खोल के ले रहे हैं अभी हम लोग, पंप को खोल के हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और दूसरा पंप डाल के चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि। पंप हम लोग ने खोल दिया है, निकालो, यहाँ पे देख सकते हो पंप खोल के बाहर निकाल दिया है। ये हमारा पावर शेयरिंग का पंप, अभी इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, दूसरा डालेंगे और फिर चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। यहाँ पे है उसका लोकेशन। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा पंप डाला है और जूना पंप हमारा इधर है, तभी दूसरा पंप लगा के फिटिंग करके चेक करेंगे
फिटिंग करके ले रहे हैं अभी, तो दूसरा को हम फिटिंग करके ले रहे हैं, तो इसको हम लोग सब फिटिंग करके ले लेते हैं प्रॉपर, और देखते फिर आवाज़ बंद हुआ है क्या। यहाँ पे पाइपलाइन वगैरह सब लगा के ले रहे हैं, यहाँ पे फिटिंग करके ले लिया है, पाइपलाइन वगैरह भी लगा दिया है, और अभी ऊपर से ऑयल डालेंगे इसका। यहाँ पे इंजन स्टार्ट किया है और ऑयल डाल के ले रहे हैं, अभी देख सकते हो आप लोग। स्टार्ट किया और अभी स्टीयरिंग मार रहे हैं हम लोग इधर उधर। मारिए स्टीयरिंग राइट ले मारो। यहाँ पे जो आवाज आ रहा था वो बंद हो गया है। मेन जो प्रॉब्लम मिला हम लोग को पंप का मिला है। पंप इसका खराब नहीं होता, लेकिन ये गाड़ी का कैसे खराब हुआ, हम लोगों ने स्टीयरिंग सर्विस किया, स्टीयरिंग में पानी था लेकिन स्टेरिंग सर्विस करके काम नहीं हुआ है। मारे सर उल्टा। यहाँ पे जो आवाज़ आ रहा था वो बंद हो गया पूरी तरीके से, आप लोग देख सकते हो। उल्टा करिए, उल्टा राइट में, राइट में। मारिए उल्टा लेफ्ट में, राइट। तो गाइस फाइनली जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, आवाज़ भी बंद हो गया है, कोई तरीके का आवाज़ नहीं है। मारिए उल्टा, मारिए। उल्टा मारिए लेफ्ट में, देख सकते हो आवाज़ बंद हो गया है। तो गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।